तो आज बात करने वाले हैं बियर्ड्स की फिनिशिंग के बारे में और कैसे हम बियर्ड को फिनिश कर सकते हैं और पोर्ट्रेट को फिनिश कर सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे एक अमेजिंग ट्यूटोरियल में। आ जाओ जरा सीखते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ये जो पोर्ट्रेट था जिसको हम आज इसके लास्ट एपिसोड में हैं, इसके फिनिशिंग के बारे में बात करने वाले हैं और खासकर इसमें जो बियर्ड है उसको कैसे करना है। और खासकर लोग अक्सर पूछा करते हैं कि कैसे हम बियर्ड को फिनिश करेंगे, कैसे ड्रॉ करना है, मुश्ताश कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, मैंने शुरू तो कर दिया है, बट शुरुआत से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको आर्ट को बहुत ही अच्छे से अंदर से गहराई से जानना है, सीखना है, समझना है, तो मेरे आप यूडेमी और स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब बात करते हैं अपने ट्यूटोरियल पर। तो जैसे देखो, मैंने अभी लिप्स का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको जस्ट मैंने ड्रॉ किया है अभी, और जहाँ पर मुझे कम्प्लीटली ब्लैक दिखता है वहाँ पर मैं डायरेक्टली चारकोल पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। तो बिना सोचे समझे आप भी ये कर सकते हो, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक नज़र आता है, डार्क नज़र आता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट चारकोल यूज़ करो एंड देन जो सराउंडिंग है उसको ग्रेफाइट के साथ मिक्स करना शुरू करो। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है जब हम हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक ड्राइंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि केवल ग्रेफाइट के भरोसे बैठना इट्स वेरी टीडियस टास्क, क्योंकि ग्रेफाइट में इतना ज़्यादा डार्क आप नहीं अचीव कर पाते हो, फिर वो शाइन भी करता है एट द सेम टाइम। तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखो कि कैसे मैंने इनिशिएट किया है बियर्ड को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं नज़र आ रही बियर्ड, थोड़ा सा ग्रेइश टोन भी है उसमें, क्योंकि थोड़े से हेयर के अंदर से जो स्किन का टेक्स्चर है वो नज़र आता है। तो इसलिए आप डायरेक्टली ब्लैक नहीं यूज़ करो वहाँ पर, फर्स्ट मंत्र ये है इसका, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेफाइट यूज़ करो, फिर उसके बाद देखो कि कितना डार्क और जा सकते हैं, और अगर और डार्क जाने की ज़रूरत है तब फिर ऊपर से आप चाकोल यूज़ करोगे। तो क्योंकि ये लाइंस हैं खाली, तो आप चाकोल को भी यूज़ कर पाओगे, उसके बीच में जो स्पेस बचा रह जाएगा वहाँ पे चाकोल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे टू अप्रोच, बेसिकली इनिशियल लेयर्स ऐसी होनी चाहिए। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा बहुत नॉर्मल सा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हाँ आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया है, बट व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग लेयर्स ऑन टू द ड्राइंग देन यू विल एक्चुअली फाइंड द एक्चुअल रिजल्ट्स। सो इस तरह से सोचना शुरू करो, इस तरह से समझना शुरू करो। तो जब आप ब्रश को यूज़ करते हो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तब आप ये चीज़ समझना शुरू करते हो कि यहाँ अब एक एक डिटेल आपको नज़र आने लगती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ब्रश को इम्प्लीमेंट किया और फिर एक लेयर उसको सबसाइड किया। तो जब हम सबसाइड करते हैं तो हमें फर्दर नज़र आता है कि अब हमें कितना ज़्यादा डार्क और जाना है। जब भी हम ब्लेंड करते हैं या मेल्ट करते हैं अगर ऐसा कहें तो हमें समझ में आता है, स्मच करने के बाद हमें समझ में आता है कि हम और कितना डार्क जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर जगह होती है ना जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पेंसिल यूज़ करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे रादर यूजिंग द चारकोल, क्योंकि जब आपने ब्लेंड कर दिया तो फिर चारकोल को चढ़ना मुश्किल होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो बेस्ट है कि आप 8B पेंसिल या फिर कलर्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हो इस टाइप के डार्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में। तो जब भी आप इस तरह से डार्क करोगे तो नाउ इट इज़ अ पेंसिल थिंग, ठीक है, चारकोल नहीं है, तो ईजिली उसके ऊपर चढ़ भी जाएगा, और फिर जब आप उसको ब्लेंड करोगे तो एक सर्टेन लेवल पे ब्लेंड भी हो जाएगा क्योंकि उसमें ग्रेफाइट के एलिमेंट्स भी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को इस तरह से ट्यूटोरियल देखना और जो हम रिपीटेटिव ट्यूटोरियल्स करते हैं, अगर मान लो एक ही तरीके के, लेट्स से रियलिज्म पे ही कर रहे हैं, तो क्या ये आप मल्टीपल इस पर ट्यूटोरियल चाहते हो? या कुछ लोगों ने जैसे कहा कि कुछ नहीं, इनफैक्ट किसी एक ने ऐसा कमेंट किया था कि अब आप कुछ और तरीके के ट्यूटोरियल हमें बताइए, ये सेम रियलिज्म वाले या फिर आर्टिस्टिक वाले नहीं, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे सीख लिए हैं। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना ज़्यादा इसमें मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उतना ही ज़्यादा आप लोग और डिमांड करते हो। अभी तक तो यही सिचुएशन थी कि आप और ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहते हो उस पर, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो तुरंत नहीं सीखी जा सकती, समझी जा सकती। मुझे भी ये लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर कुछ और सोचने का कोशिश करूँगा, क्योंकि देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू डू एक्चुअली, बट मैं इसलिए करता हूँ केवल ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, एक एक चीज़ को गहराई समझ पाओ।
नाउ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, चारकोल पाउडर और ग्रेफाइट पाउडर को भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ मैं ग्रेफाइट पाउडर को यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस तरीके के ड्रॉइंग को फिनिश करने में। एंड ये तरीके आपको आने इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तरीके बहुत सारे हैं, बट आपको तरीकों के बारे में जब पता नहीं होगा तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, राइट? तो ये भी एक तरीका है कि आप चारकोल पाउडर या ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ कर सकते हो उस टाइप के ड्राइंग्स में। और जहाँ तक इस ड्राइंग की बात है पर्टिकुलरली, इसमें आप ग्रेफाइट पाउडर को ही यूज़ करो क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी, तो ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि बहुत ही हल्के से आप उठाइए, जैसे वहाँ पे जैसे मैं उठा रहा हूँ ग्रेफाइट को ब्रश में डायरेक्टली, और फिर एक बार ज़रा चेक ज़रूर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ अचानक से पेपर पे आ जाएं, तो फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, है ना? और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे हेल्प करोगे वो बताने के बारे में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा सोच है वो ये है कि मैं मल्टीपल ट्यूटोरियल्स करने के पीछे मेरा ये रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बार हर ट्यूटोरियल में कुछ नई होती हैं, जो आप नया सीखते हो, और आप ऐसे कमेंट्स भी करते हो कि आज कुछ नया सीखने को मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ नया सीखा। तो डेफिनेटली मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि हर बार कुछ एक नई चीज़ आपको बताऊँ, लेकिन जो बेसिक है, जो स्टाइल है वर्किंग का, जो तरीके हैं, वो मैं वही ट्रेडिशनल तरीके ही ऑप्ट करने की कोशिश करता हूँ जिसपे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था और जिसपे आप ऑलरेडी भी ट्यूटोरियल्स चाहते हो। क्योंकि उस चीज़ को अगर मैं चेंज करके कुछ और तरीके बताना शुरू करूँ तो वो बेसिकली तरीके तो ऑब्वियसली सीखने ही चाहिए, लेकिन जो ये वाले तरीके हैं जो आपको आने चाहिए बींग एन आर्टिस्ट, वो फिर मिस्ड आउट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब भी मैं एक नया ट्यूटोरियल डालता हूँ तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल नीडेड था। नाउ इट्स अप विद यू, मुझे जरूर बताइएगा। अभी देखो जैसे नोज पे मैंने एक स्पॉट डाला है, खाली मोनो इरेजर यूज़ करके खाली एक स्पॉट डाला है, तो उससे कैसे नोज का जो फीचर है वो पूरा का पूरा निकल के आ गया है। और देखो किस तरह से हाइलाइट्स को कास्ट शेडोज जो होती हैं डार्क वाली, और उसके साथ ही जो हाइलाइटेड शेडोज हैं, जो लाइट्स नीचे से पड़ रही हैं फेस पे, तो नोज की वो वाली लाइन भी नजर आ रही है, तो उसको भी अचीव किया है। जब हम रियलिज्म पे काम करते हैं तो हमारा एम ही ये होता है कि जितनी ज़्यादा डिटेल्स को आप अचीव करना चाहो और उतनी ज़्यादा कोशिश करो करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा डिटेल निकालोगे उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनेगा, ठीक है? ये इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए बेसिकली टाइम भी चाहिए ना आपको, क्योंकि तभी तो आप डिटेल्स निकाल पाओगे। कि जैसे लिप्स में देखो जो वाइट लाइन्स हैं लोअर लिप पे, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी लाइन्स को, है ना? डोंट ट्राई टू कॉपी इट, बट ट्राई टू सी एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना क्लोज आप ले जा सको उतना ले जाने की कोशिश करना। सो ये एक तरीका है जिसपे आपको सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए। बाकी आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि अभी पिछले इसी सीरीज में मैंने दो तीन क्वेश्चंस पूछे थे और हर बार मुझे आप लोगों ने इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया है, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के जो जवाब देने की जो एबिलिटी है, जो आप जिस तरह से आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपकी लर्निंग जो है बहुत ही बेहतरीन हो रही है, बहुत ही खूबसूरत हो रही है, और सब लोग इतना अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मैंने सोचा था कि कुछ मैं अवार्ड दूंगा वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ तक दूंगा और कितने दे पाऊंगा, आई डोंट नो। सो कुछ एक गिव अवे रखेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को कुछ ना कुछ बेसिकली मिल जाए, चाहे बहुत बेसिक से आर्ट मटेरियल हो, बट वी विल ट्राई दैट ऑल्सो इन कमिंग फ्यूचर नाउ। बट क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लर्निंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, वो बेसिकली मटेरियल बेस्ड ज़्यादा है, कि जब हम बियर्ड को ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन्स जो है बियर्ड की लाइन्स, वो स्ट्रेट होनी चाहिए या वो कर्वी होनी चाहिए, घूमी हुई होनी चाहिए, ठीक है, कर्ली होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे बताइएगा। डिपेंडिंग अपॉन द इमेज, ये भी बात सही है, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इन जनरल, ठीक है? हो सकता हो कि किसी के हेयर ही कर्ली हो जैसे साधुओं के होते हैं, वैसे नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इन जनरल स्ट्रेट क्या होना चाहिए, और अगर स्ट्रेट नहीं है तो कैसा होना चाहिए, तो ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं सुनना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या लर्निंग है इस बारे में, और कैसे आप हेयर को, बियर्ड के हेयर को कैसे ड्रॉ कर सकते हो मोस्ट रियलिस्टिक मैनर में,
ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है। और जल्द ही वाटर कलर्स पे भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा फील्ड है जिसको अभी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने कुछ वर्क ज़रूर किए हैं, बट ऐसा लगता है कि वो वाली चीज़ अभी अनटच्ड रह गई है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं उसको लेकर के। तो आई विल डू दैट ऑल्सो इन कमिंग फ्यूचर, जल्दी ही आने वाला है वो भी। बट ये है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट इस तरह से चाहिए कि आप जब मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हो और उससे आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको उस इन तरह के ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है। और तभी मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छा फ्रूटफुल कर पाएंगे अपने इस आर्ट चैनल के साथ। और जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर और क्यों नहीं बढ़ रहे। तो देखो यार, उसका तो कोई एंड नहीं है ना। कितने भी सब्सक्राइबर कर लो, 1 मिलियन कर लो, 10 मिलियन कर लो, अभी जो कम्युनिटी है, जो परिवार है हमारा, परिवार भले बड़ा हो या छोटा हो, परिवार परिवार होता है ना। तो दिस फैमिली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका और हमारा साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत शुरुआत से जुड़े हैं मेरे साथ, चैनल के साथ, और वो अभी भी हैं, वो अभी भी लर्न कर रहे हैं, वो अभी भी मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे मेल्स के थ्रू। ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन टू हैविंग इट मोर। मैं ये लालच में पड़ा रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और कितने बढ़ रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे इस बारे में। तो प्लीज़, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप चैनल को प्रमोट करने में आप मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वजह से पहुँचे ताकि लोगों की मदद हो पाए, है ना, ताकि ज़्यादातर लोग समझ पाए, हेल्प हो मिल पाए उनको। तो अभी फिलहाल इतना ही। मैंने शर्ट्स वगैरह को भी फिनिश कर दिया है, बैकग्राउंड भी कर दिया है, वो आप मेरे से बेहतर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।